नमस्कार दोस्तों, मैं अभी यहाँ फ़्लाइटें बता रहा हूँ। ये जो ऊपर वाली देखो, ये सियोल के लिए है और ये टोक्यो के लिए है। ये अभी मैं इस रशिया के जो कैपिटल है मॉस्को, वहाँ पे मैं खड़ा हूँ। आप मेरे को यहीं से देख पा रहे हो। और मेरा ये वीडियो जो साउथ कोरिया का कुछ स्टाफ मेरे को एक दो लड़के पूछ रहे हैं कंटिन्यू, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा वीडियो बना रहा। लेकिन काफ़ी मुश्किल है यहाँ से जाना, इजी नहीं है। लेकिन ये फ़्लाइटें ऑपरेट हो रही है यहाँ से, ठीक है। अब इनका तरीका क्या होगा, जैसे जापान के लिए तो सबको पता है कि शायद ओलंपिक की वजह से खिलाड़ियों के लिए या हो सकती है, लेकिन साउथ कोरिया के लिए फ़्लाइट ऑपरेट हो रही है, ठीक है। लेकिन उसमें जो डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिए या जिस तरह के पेपर वो होने चाहिए, इधर आने के लिए वीज़ा भी चाहिए रशिया के लिए, वो भी इतना ईजी नहीं है। पर यहाँ से ये ऐसा प्रोसेस करके बंदा आराम से जा सकता है। ये अभी मैं जब लास्ट टाइम आया तो वो नहीं था ऐसा, मैंने सब चेक किया था, प्रॉपरली चेक किया था। उसके बाद में बीच में आके चेक करके गया, नहीं था। लेकिन आज बता रहा है तो मतलब ये हफ्ता से शायद एक एक फ़्लाइट चालू हो गई है, तो इसीलिए बाकी मैंने नहीं देखा। शायद ये हफ्ता से जा रही, क्यों मैंने पूछा इनको, जिस समझ में आया जैसा वो बोल रहे थे कि स्टार्ट हो गई जा रही है, पर इंडियंस को ले रही है नहीं ले रही वो नहीं बता रहे, क्योंकि वो एयरलाइंस वाले ही बताएंगे। जिस कंपनी की एयरलाइन जा रही है वो वही बता सकते हैं। लेकिन फ्लाइटें चालू हुए हैं। चलो टोक्यो वाली तो शायद नहीं लेगी इंडियन को, बट सियोल वाला इतना स्ट्रिक्ट नहीं है, देखो क्या होता है, पता नहीं। तो फ्लाइटें ज़रूर जा रही है, यहाँ से जा रही है इस्तांबुल की फ़्लाइट यहाँ से जा रही है, तो तुर्की से भी फ़्लाइटें जा रही है, सर्बिया से जा रही है, और खास करके थाईलैंड से फ़्लाइटें जा रही है। तो थैंक यू गाइस, बाय।